आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 3 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। जबलपुर में रविवार रात 30 साल के विकास मराठा की हत्या में जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि आरोपियों ने ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट से चाकू खरीदकर कत्ल किया था। जबलपुर पुलिस ने कंपनी को पत्र भेजकर चेताया है कि ऐसे प्रोडक्ट बेचना बंद करें, वरना अपराध में कंपनी को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस ने कंपनी से ऐसे चाकू खरीदने वालों की सूची भी मांगी है। बता दें कि फ्लिपकार्ट के अलावा अन्य ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पोर्टल पर 100 से 250 रुपए में ऐसे चाकू बिक रहे हैं। जबलपुर में जिले में पिछले 6 महीने में चाकूबाजी में लगभग 12 से अधिक हत्याएं हुई हैं। इसमें से कई मामले में पूछताछ में सामने आया था कि आरोपियों ने ऑनलाइन पोर्टल से चाकू खरीदे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी रोहित काशवानी के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल के जबलपुर ऑफिस से ऐसे लोगों की पूरी सूची मंगवाई गई है। ऐसे सभी लोग पुलिस की राडार पर होंगे। ये लोग चाकू लेकर घूमते मिले तो कार्रवाई होगी। प्रदेश में अब सरकार दूसरा डोज लगाने का अभियान शुरू कर रही है। जानिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना क्यों जरूरी है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM ने प्रदेश में होम आइसोलेशन और अस्पताल में भर्ती 712 संक्रमितों के डाटा का एनालिसिस किया है। इसमें 27 जून से 27 जुलाई 2021 के बीच अस्पताल में भर्ती 145 और होम आइसोलेशन के 567 लोग शामिल हैं। इसमें सामने आया दोनों डोज लगवाने वाले सिर्फ 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। प्रदेश के 29 जिलों से अस्पताल में भर्ती हुए 145 संक्रमितों का डेटा एनालिसिस के लिए लिया गया। इसमें 63% यानी 91 मरीज ऐसे थे जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वहीं 39 लोगों ने यानी 27% मरीजों को पहला डोज लगा था। इसमें 33 ने कोविशील्ड और 6 ने कोवैक्सीन लगवाई थी। वहीं 10% यानी 15 मरीजों को दूसरा डोज लगा था। इसमें 12 ने कोविशील्ड और 3 ने कोवैक्सीन लगवाई थी। इसके लिए इंदौर के 44, भोपाल के 14, जबलपुर के 15, नीमच के 10, सागर के 10 समेत अन्य जिलों के मरीजों का डाटा शामिल किया है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस इलाके की सभी नदियां उफान पर हैं। इस बीच ग्वालियर जिले से सबसे बड़ी खबर यह है कि आगरा मुंबई हाईवे भी अब पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं हाईवे की सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इस दौरान एक यात्री बस भी फंस गई थी। उसमें मौजूद लोगों को बमुश्किल निकाला जा सका। वहीं मोहना गांव के लोगों का कहना है कि हाईवे टूटने से 2 छोटी गाड़ियां पानी में बह गई हैं। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर मुरैना भिंड शिवपुरी श्योपुर भिंड दतिया में बाढ़ के हालात हैं। इन जिलों के कलेक्टर से CM शिवराज सिंह चौहान ने बात कर हालात के बारे में जानकारी ली है। वहीं हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप भी डूब गए हैं। प्रशासन को इस इलाके में अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही बारिश का दौर भी लगातार जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हाईवे पर पानी की वजह से परिचालन ठप है। बहुचर्चित नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की जांच अब पूरी हो गई है। 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद SIT ने यह जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब इसी हफ्ते में SIT चालान पेश करने की तैयारी में है। बता दें कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सबसे पहले मई के पहले सप्ताह में ही गुजरात में सामने आया था। 1 मई को गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का भंडाफोड़ हुआ था। इसके 5 दिन बाद ही 6 मई की देर रात गुजरात पुलिस ने जबलपुर के आधारताल क्षेत्र से सपन जैन को गिरफ्तार किया। सपन से हुई पूछताछ के बाद ओमती पुलिस ने 9 मई को सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा व इसी अस्पताल में काम करने वाले देवेश के खिलाफ FIR दर्ज की। इसके पश्चात जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, एक के बाद एक आरोपी सामने आते गए। धीरे धीरे 9 और आरोपी सामने आए। सिटी हॉस्पिटल के संचालक का पूरा परिवार जांच के घेरे में आया। सरबजीत सिंह मोखा को NSA के तहत निरुद्ध किया गया। 1 करोड़ रुपए एक लागत के सभी शासकीय भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। इस आशय के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत समस्त विभाग और उनके प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले विभाग अध्यक्ष कार्यालय संस्था निगम और मंडल द्वारा सभी ऐसे निर्माण कार्य जिनकी लागत 1 करोड़ से अधिक है, लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई PIU से कराए जाने होंगे। इसके साथ ही यदि कोई विभाग अथवा उसके प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था विशेष परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग के स्थान पर अन्य किसी निर्माण एजेंसी को 1 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण का कार्य आवंटित करना चाहती है तो संबंधित प्रशासकीय विभाग लोक निर्माण विभाग के अभिमत सहित मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी। यदि किसी विभाग अथवा उसकी प्रशासकीय नियंत्रण की संस्था के पास स्वयं का पर्याप्त तकनीकी अमला हो तो वह उससे अपने विभाग के निर्माण कार्य किसी भी सीमा तक करा सकेंगे। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए सामान्य और कोरोना से मृत लोगों की सुरक्षित तरीके से अंत्येष्टि कराने करीब 10 साल बाद शहर को गैस शवदाह गृह LPG क्रिकेटोरियम सिस्टम की सौगात तो मिल गई, लेकिन शहर के इस इकलौते आधुनिक शवदाह गृह में दाह संस्कार फिर भी नहीं हो पा रहा है। लोग पुरानी परंपराओं के आधुनिक तरीके से अपने स्वजनों की अंत्येष्टि कराने से कतरा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के दौरान जब चौहानी सहित शहर के अन्य मुक्तिधामों में शवों की अंत्येष्टि कराने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता था, तब गुप्तेश्वर गैस शवदाह गृह में भी 3 दर्जन से ज्यादा शवों की अंत्येष्टि कराई गई, जिसमें ज्यादातर कोरोना से मृत हुए थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ महीने भर में 1-2 अंत्येष्टि ही हो रही है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के मद्देनजर एक तरफ जहां शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं गैस विद्युत शवदाह गृह में अंत्येष्टि के लिए भी लोगों को मानसिक रूप से जागरूक होना होगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। विद्यालय खुलने का क्रम जारी है। दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं की कक्षाओं का स्कूल में संचालन करना तय किया गया है। दोनों कक्षाओं के लिए स्कूल 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। हालांकि विद्यार्थियों को कक्षा का हिस्सा उनके अभिभावकों की अनुमति के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों को व्हाट्सएप पर एक फॉर्मेट दिया जाए जिसे भरकर उन्हें स्कूल प्रबंधन तक पहुंचाना होगा। इससे पूर्व कोविड की गाइडलाइन के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद लगभग स्कूल ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद कर दिया। अलग अलग स्कूल प्रबंधन का मानना है अगर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। शासन के आदेशानुसार विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर कक्षाओं से जोड़े रखना है। इंदौर में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए नगर निगम के जन कार्य विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना को लेकर लोकायुक्त पुलिस की तफ्तीश जारी है। सक्सेना के पास आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के मामले में उसके बैंक खातों की जांच की जा रही है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस उसे रणजीत हनुमान मंदिर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ले गई और लॉकर खोला तो दंग रह गई। लॉकर में 28 लाख रुपए का सोना, 1.5 लाख की चांदी, पत्नी के खाते में 14 लाख रुपए मिले हैं। अभी दूसरे बैंक खातों की जांच होना बाकी है। सोमवार को उसके ऑफिस की अलमारी से 10,68,000 रुपए मिले थे। बाद में पुलिस उसे द्वारकापुरी स्थित उसके मकान पर ले गई थी। इस 2 मंजिला मकान में टीम ने छानबीन की, जहां मकान फ्लैट प्लॉट समेत 8 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। सक्सेना का एक फ्लैट पैराडाइज बिल्डिंग में भी है। वह जिस मकान में रहता है वहां उसने कई किराएदार भी रखे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य बैंक खातों की जानकारी मिली है। DSP प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि दोपहर को टीम उसे बैंक ऑफ बड़ौदा ले गई तो पता चला कि यहां उसका लॉकर भी है। उसे खोलने पर 1.25 किलो सोने के जेवरात, 3 किलो चांदी के जेवरात, 1,14,000 रुपए कैश मिले। पत्नी गिरिजा के खाते में 14 लाख रुपए मिले। इसके अलावा उसने अपना एक सैलरी अकाउंट होना बताया है। टीम को आशंका है कि इस खाते में भी काफी रुपए हैं।
टीम जानकारी निकाल रही है। वैसे अब तक उसके पास 65 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और नकदी मिले हैं। जमीन फ्लैट आदि को लेकर अभी जांच जारी है। ग्वालियर में एक युवक की इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लड़के सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद शराब कारोबारी के बेटे अनिकेत शिवहरे से मुलाकात करते हुए सेल्फी ले रहे हैं। लड़के कह रहे हैं, स्माइल प्लीज। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब सवाल यह है कि जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच मुलाकात करने वाले अंदर तक मोबाइल कैसे ले गए? चेकिंग करने वाले पुलिस जवानों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? सेंट्रल जेल की सुरक्षा में यह बड़ी चूक है। ऐसे तो कोई भी जेल में अंदर हथियार या अन्य नशे की सामग्री पहुंचा सकता है। खुद जेल अधीक्षक भी इस बात पर हैरान है और जांच कराने की बात कर रहे हैं। सोमवार दोपहर पुलकित शर्मा नामक एक युवक की इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर दो छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो ग्वालियर सेंट्रल जेल के हैं। यहां सलाखों के पीछे एक लड़का खड़ा है जो मुलाकात करने वालों से बात कर रहा है। इसी बीच उससे मिलने पहुंचे करीब 3 से 4 लड़के उससे कहते हैं, स्माइल प्लीज, फिर फोटो खींचने लगते हैं। वह जेल में अंदर सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। सलाखों के पीछे जो लड़का दिख रहा है वह जेल में बंद अनिकेत शिवहरे है। वह शराब कारोबारी का बेटा है और कुछ समय पहले खुद पर ही गोलियां चलवाकर अपने दुश्मनों को झूठा फंसाने की साजिश रच चुका है। इसी मामले में वह जेल में है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात सोमवार दोपहर 12 बजे से पहले हुई है। शाम को वीडियो भी वायरल हो गया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 3 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 4 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।